अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है सारे खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन दिया जा रहा है, RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर इंसान को ज़रूर देखना चाहिए ऐसी वीडियो, जिससे ये पता चलता है कि इतिहास में क्या हुआ था और कौन ऐसा शख्स है जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। वो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्हीं के बारे में पूरी वीडियो है, इंशाल्लाह पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अब मस्जिद अलक्सा को पहले फतेह किया था इन्होंने। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ नहीं होंगे। और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करेक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करेक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फिलिस्तीन के यरूशलम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर तीन धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी। और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है। बैतुल मुक़द्दस से तीन मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं। और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया, लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज्जत की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाहों से गैर मजहब यानी खास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ईसाई भी बड़े ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपे सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को ज़ालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल की तो मुसलमानों पर जुल्म और सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त पहले से। हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था और उसके बाद तकरीबन तीन सदियों से ज़्यादा मुसलमानों के पास ही इसकी बागडोर रही। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमज़ोर पड़ने लगे, मुसलमान छोटे छोटे फ़िरकों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की मुस्लिम सल्तनत जो कि सलजूक सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़ गई और धीरे धीरे फिलिस्तीन, सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और आखिरकार 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को भी छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुक़द्दस निकल गया और वहाँ पर ईसाई ज़ालिमों की हुकूमत हो गई तो पूरी इस्लामी दुनिया में मातम की लहर छा गई क्योंकि यकीनन बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का एक दिल है, लिहाजा इसी वजह से हर बंदा परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फिलिस्तीन में लाखों मुसलमानों का खून बहाया,
छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ों, औरतों, किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि हालत ऐसी हो गई कि फिलिस्तीन के पूरी ज़मीन पर मुसलमानों का खून ही खून नज़र आ रहा था। उसके बाद कई मुस्लिम हुक्मरानों ने लगातार बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की कोशिश की, लेकिन हज़ारों शहादतों के बावजूद भी हर हुक्मरान नाकाम रहा और बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों को फतह नसीब नहीं हो पाई। आखिरकार हमेशा की तरह वक्त ने फिर से अंगड़ाई ली और पैदाइश होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था नूरुद्दीन ज़ंगी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है। और उनके पास एक ऐसा मेंबर भी मौजूद था जो उन्होंने ये ख्वाहिश करके ही बनवाया था कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस को फतह करूँगा तो उस मस्जिद में इस मेंबर को नसब करूँगा। लेकिन अफसोस, खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज में एक आम सिपाही था जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। धीरे धीरे सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी होशियारी और बहादुरी के दम पर नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज में आला से आला मनसब हासिल करना शुरू कर दिए। और एक वक्त ऐसा आया कि सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के गवर्नर बना दिए गए। जब नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात हुई तो कोई भी ऐसा काबिल शख्स मौजूद नहीं था कि जो उनकी जगह पर तख्त पर बैठ सके। लिहाजा तमाम लोगों ने मुत्तफिक होकर नूरुद्दीन ज़ंगी की पूरी सल्तनत सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों में सौंप दी। और लिहाजा सलाहुद्दीन अयूबी को भी वो मौका मिला जिनकी उसको हमेशा से तमन्ना थी, यानी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र के तख्त पर बैठते ही अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था और वो मकसद था बैतुल मुक़द्दस को फतह करना। उनके दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहती थी कि किस तरह हम अपने आबाओ अजदाद की उस चीज़ को वापस लें जो हमसे छीन ली गई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तख्त पर बिठाया गया, उनकी उम्र सिर्फ 21 से 22 साल थी। अब आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत मौजूद थी। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के तख्त पर बिठाए गए तो उस वक्त मिस्र के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मुसलमान छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके थे। ज़िनाकारी और शराब पीना बहुत ज़्यादा आम हो चुका था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उन्हें जहाँ एक तरफ बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाना था, तो वहीं दूसरी तरफ शराब और जिना जैसे बुरी बुरी चीज़ों से भी अपनी सल्तनत को छुटकारा दिलाना था। मिस्र के हालात उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि एक मुसलमान और गद्दार को पहचानना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ एक तरफ ईसाई मुसलमानों के लिबास में घुस चुके थे तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों ने मुसलमानों में ही खरीदो फरोख्त करके अपने एजेंट लगा रखे थे। पता ही नहीं चल पाता था कि कौन अपना है और कौन बेगाना। उस दौर की ईसाई हुकूमत में खूबसूरत लड़कियाँ और शराब बहुत ज़्यादा कारगर मानी जाती थी। यानी उन लोगों का ये मामूल था कि वो जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते थे कि जिसे देखकर उन्हें ये महसूस होता था कि ये दुश्मन हमारी टक्कर का दुश्मन है या हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत दुश्मन है, तो वो उसके खिलाफ शराब या लड़कियों को इस्तेमाल किया करते थे। और अफसोस, उनकी इस नापाक साजिश में बहुत से मुस्लिम हुक्मरान फंस भी जाया करते थे। दोस्तों, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करने का इरादा किया तो उनके इस इरादे की खबर भी मुस्लिम गद्दारों के जरिए से मिस्र से फिलिस्तीन पहुंच गई। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस की जब ईसाई हुकूमत को ये पता चला कि सलाहुद्दीन अयूबी नामी एक मजबूत सिपहसालार फिर से उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भी वही चाल चली जो वो हमेशा से चलते आ रहे थे, यानी शराब और लड़कियों का इस्तेमाल करना। मिस्र की मुसलमानों की हुकूमत की फ़ौज में ही एक कमांडर था जिसका नाम था नाज़ी। ये देखने में तो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदरूनी तौर पर पक्का ईसाइयों का एजेंट था। बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों ने इस एजेंट के ज़रिए से कई बार ये कोशिश की कि सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाई जाए। लिहाजा नाज़ी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाए। कई जगह महफिल में उसने पेशकश की, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी इस चाल को अपने सामने ज़रा बराबर भी टिकने ना दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने कभी भी शराब को पीना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया। लिहाजा नाज़ी को जब इस बात का यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अयूबी इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर उसने नाकाम होकर अपना दूसरा वाला फार्मूला अपनाया। और वो दूसरा वाला फार्मूला था लड़की का फार्मूला। लिहाजा उसने एक रात एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को अपने काम के लिए राज़ी कर लिया। उस खूबसूरत लड़की को राज़ी करने के बाद वो नाज़ी जनरल जो ईसाइयों का एजेंट था, वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गया और उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान, एक लड़की आई है जो बहुत दूर से सफ़र तय करके आई है और वो आपसे मिलना चाहती है और वो बहुत परेशान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल उस लड़की को जल्द अज जल्द अंदर बुला लिया जाए। लेकिन जाहिर है कि नाज़ी के इरादे तो कुछ और ही थे। नाज़ी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि वो लड़की इस बात की भी जिद कर रही है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आप समझ चुके थे कि ये नाज़ी जो अंदरूनी तौर पर ईसाइयों का एजेंट है, ये आपको किस जाल में फंसाना चाहता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने खेमे में जा रहा हूँ और उसे उस खेमे में भेज दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त मिलने के बाद उस गद्दार कमांडर ने उस लड़की को ये मशवरा दिया कि तुम्हें जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ गलत हरकतें करना है और उनको अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करना है। और साथ ही उससे ये वादा किया गया कि अगर तू सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक गिलास भी शराब पीने के लिए राज़ी कर लेगी तो तुझे वो सब कुछ दिया जाएगा जो तेरी मर्ज़ी होगी। लिहाजा इस इरादे के साथ वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ रवाना हुई।
लेकिन जैसे ही वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुई तो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने कंधों से चादर उतार कर उस लड़की को वो चादर दे दी और उससे ये कहा कि इस चादर से अपने बदन को ढक लो। ये सुनते ही वो लड़की अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े ही मोहब्बत के साथ उस लड़की से ये सवाल पूछा कि ऐ लड़की, तुम्हारे माँ बाप कौन है? ये सुनकर वो लड़की खामोश हो गई, क्योंकि जाहिर है कि उसे ये खबर नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन है, क्योंकि उस वक्त ईसाई हुकूमत के लोग यतीम बच्चों को कैदी बना लिया करते थे और उनमें से जो भी खूबसूरत लड़कियाँ हुआ करती थीं उनकी बचपन से ही इसी काम के लिए परवरिश किया करते थे। उसके बाद वो लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी और हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहने लगी कि उन लोगों ने मुझे आपके साथ गलत काम करने के लिए भेजा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने उस लड़की से फरमाया, जाओ और अपने सरदारों से कहना कि तुमने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो काम कर दिया है। उस लड़की ने जाकर अपने सरदारों से यही कहा और उस लड़की की ये बात सुनकर तमाम ईसाई लोग खुश हो गए। उन्हें ये लगा कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगली सुबह होते ही नाजी कमांडर, यानी जो ईसाइयों का आदमी था और मुसलमानों की फौज में रहा करता था, उसने ये गदर मचाना शुरू कर दिया कि देखो, हमारा सुल्तान तो एक शराबी है, हमारा सुल्तान तो एक जिनाकार है। तमाम लोग इससे बड़ी हैरत में पड़ गए और लोगों के दरमियान फूट पड़ना शुरू हो गई। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे महल में उनके बारे में यही बातें गर्दिश कर रही हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन फरमाया कि तुम लोग मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लगा रहे हो, कम से कम एक बार उस लड़की से तो पूछो जिसके बारे में नाजी कमांडर दावा कर रहा है। लिहाजा उस लड़की को बुलाया गया। उस लड़की ने तमाम लोगों के सामने ये जवाब दिया कि कसम है मुझे उस खुदा की जिसको मैं मानती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से ज़्यादा शरीफ और नेक शख्स नहीं देखा है, क्योंकि रात भर मैं इनके खेमे में रही, उसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई गलत काम करना तो दूर, मेरी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखा। लिहाजा जब लड़की ने यह जवाब दिया तो तमाम लोगों के सामने उस नाजी कमांडर की किरकिरी हो गई और उसका मुंह काला हो गया। ईसाइयों की जब ये लड़की और शराब दोनों साजिशें नाकाम हो गईं तो उसके बाद भी उन्होंने मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशें जारी रखीं, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम हुए जाते थे। लिहाजा अब उन लोगों को डर सताने लगा था कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कैसे निपटा जाए, वरना एक दिन वो आएगा कि ये बैतुल मुकद्दस को हमारे हाथों से छीन लेगा। आखिरकार जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र की तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा लिया और मिस्र में अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया तो फिर उन्होंने बैतुल मुकद्दस के रास्ते पर रवाना होने का इरादा किया। बिलआखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए मिस्र से निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनकी फौज के लोगों में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और उन लोगों की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुकद्दस की फतह। और फिर खित्तीन के मैदान में ईसाई और मुसलमानों की फौजें आमने सामने हुई। बहुत खतरनाक जंग शुरू हुई जिसमें मुसलमानों की फौज ने ईसाइयों की फौज का सफाया करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खूंखार फौज जालिम फौज का सफाया करते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज का जोश बढ़ाने के लिए अपनी फौज के दरमियान में आकर ईसाइयों के साथ जंग कर रहे थे। हजारों जालिम फौजियों को कत्ल कर दिया गया और हजारों ईसाई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया और उसी दिन से मसीही हुकूमत का वहां से खात्मा हो गया और मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी अजीम फौज के साथ पूरी शान और शौकत के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। जब बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों ने फतह किया तो वहां के ईसाई लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम लोगों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तो हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस वक्त की ईसाई फौजों ने मुसलमानों के साथ किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम ईसाइयों को फिदिया लेकर वहां रहने की इजाज़त दे दी और जो लोग गरीब थे फिदिया नहीं दे सकते थे उनका फिदिया खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके भाई ने अदा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नूरुद्दीन जंगी का वो मिंबर बैतुल मुकद्दस में नसब कर दिया जो मिंबर नूरुद्दीन जंगी ने इस ख्वाहिश के साथ बनवाया था कि जब वो बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे तो उसमें ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन देखिए, खुदा को क्या मंजूर था कि नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी की। बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर जब पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के एक इंसान ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है तो तमाम दूसरी ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया। देखते ही देखते तमाम ईसाई हुकूमतों ने आपस में एकता कर ली और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के तमाम देशों ने मिलकर एक फ़ौज तैयार की। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फौजों को लेकर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। ईसाइयों की उस पूरी फौज की तादाद तकरीबन 6 लाख थी, वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की तादाद कुछ हज़ारों में ही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार उस फौज का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाई फौजों को यह लगने लगा कि उन्हें अब कुछ हाथ नहीं आने वाला है तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा कर लिया और आखिरकार इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि वो अपने दौर के सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और सबसे होशियार सिपहसालार हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बहादुर और निडर जंगजू होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा सबका किया करते थे। हर गरीब इंसान को वो अपने सीने से लगाया करते थे और उससे मोहब्बत से बातें किया करते थे।
वो अपनी सल्तनत में हमेशा उन लोगों से मिलना ज्यादा पसंद किया करते थे जो गरीब और कमजोर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी रुपया कमाया उसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने सबका ही कर डाला। उनके पास कभी इतना पैसा भी जमा नहीं हो पाया कि वो हज का फरीज अदा कर सकें। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज जरूर करें, लेकिन वो जंगों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहे कि उन्हें इस चीज़ का मौका भी नहीं मिल सका। और दूसरी वजह यह भी थी कि उनके पास इतना पैसा ही जमा न हो पाया कि उनके ऊपर हज फर्ज हो सके। आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक से बराबरी के साथ मिला करते थे, लिहाजा आपकी ये नरमी और आपकी ये दरिया दिली की ही वजह थी कि तमाम ईसाई लोग भी आपकी आज भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नेक दिली का सिर्फ हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी वफ़ात हुई तो आपने अपनी नस्लों के लिए विरासत में कुछ भी नहीं छोड़ा था। आपके मरने के बाद आपकी विरासत में सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़रा, एक दीनार और सिर्फ 36 दिरहम थे, और इन तमाम चीज़ों की कीमत मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं बन पाई थी कि उस कीमत के ज़रिए से आपकी तदफीन यानी आपको दफनाया जा सके। लिहाजा आपके दफनाने का खर्चा भी उस वक्त के खलीफा ने उठाया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी भर सल्तनत की उसके बावजूद भी उसने अपने लिए इतना पैसा भी नहीं बचाया कि जिस पैसे के ज़रिए से सिर्फ उसकी तदफीन ही की जा सके। लिहाजा ये थे हमारे असल हीरो कि जिनकी ज़िंदगी यकीनन हमारे लिए एक आइडल है। आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा रिएक्शन सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में। हमने जाना उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के। एक बेहतरीन ईमानदार बादशाह थे। सोचिए कि कोई बादशाह जब इस दुनिया से जाता है तो कितनी माल दौलत छोड़ के जाता है। उन्होंने विरासत में कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक तलवार, एक घोड़ा, और यहाँ तक कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका कफन दफन का इंतज़ाम कर सके। तो ये थे एक नेक बादशाह, ये थे हमारे मेन हीरो। आजकल लोग फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को अपना हीरो मानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे महान इंसान, ये है मेन हीरो। इन्हें अपना मेन हीरो मानना चाहिए और इनके तरह हम लोगों को नक्शे कदम में चलना चाहिए कि एक सच्चे पक्के ईमान वाले मुसलमान थे ये, और एक अच्छे बादशाह थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह की, यानी कि मस्जिद अल-अक्सा जो हमारा पहला किला अव्वल था। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर ज़रूर करिएगा, अपने यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक भी करिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।